नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीसी परसेंट रिव्यू 16 जून 2021 की कॉल रिकॉर्डिंग। दोस्तों मैं आपको सुनाने वाला हूं, जी हां 16 जून 2021 यानी आज की कॉल रिकॉर्डिंग जो कि पूरे चैनल पूरे यूट्यूब में किसी भी जगह किसी भी चैनल पर नहीं है वो दोस्तों हमारे पास आ गई है। आज सबसे पहली कॉल परसेंट रिव्यू की हमारे सब्सक्राइबर को आई है दोस्तों, और आज की इस वीडियो को आप सब लोग पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज किन राज्यों में आने वाली है पर्सनल इंटरव्यू यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार की कॉल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन को ऊपर प्रेस जरूर करें, जैसे आपको कभी इसका लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों मैं इससे पहले कि आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर इसमें आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देगी जो कि केबीसी की टीम के पीछे की तरफ से और हमारे सब्सक्राइबर के पीछे की तरफ से आवाज़ आ रही थी दोस्तों, इस वजह से कृपया कर आप इसको मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, बस यही है। और हमारे सब्सक्राइबर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैंने हमारे सब्सक्राइबर की आवाज़ को म्यूट कर दिया है, हालांकि आपको केबीसी की टीम की पूरी आवाज़ सुनाई देगी। चलिए सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चलिए सबसे पहले मैं केबीसी पर्सनल इंटरव्यू कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति आदित्य जी? जी बताइए मैम। कृपया हमें बताइए कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। अब दोस्तों केबीसी की टीम वाले आपको कहेंगे कि भाषा आप सिलेक्ट कीजिए हिंदी या इंग्लिश, तो आपको भाषा सिलेक्ट कर लेनी है। केबीसी ऑडिशन से संबंधित है, क्या मैं ऑडिशन में भाग लेने वाले व्यक्ति से बात कर सकती हूँ? तो दोस्तों आपको कहना है कि भाई हाँ मैं ही हूँ जिन्होंने केबीसी ऑडिशन यानी पर्सनल इंटरव्यू में अपना मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे कॉल आई है दोस्तों, आपको ये बताना होगा। मैं अपने रिकॉर्ड की जांच करने की पुष्टि करने के लिए कुछ विवरणों की आवश्यकता होगी, कृपया हमें 10 मई 2021 तक पूर्ण वर्षों में अपना आयु बताइए। अब दोस्तों आपको अपनी आयु बतानी होगी 10 मई 2021 तक। इन्होंने सब्सक्राइब में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इस बात में बहुत लंबा इस बात को खींच लिया, उन्होंने कहा 42 ईयर्स 7 मंथ्स वगैरह वगैरह उन्होंने कहा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एज बतानी है, यानी 42 7 मंथ्स है, तो दोस्तों आपको 42 बतानी है, चाहे आप 11 मई 2021 को ही अगले यानी 43 में ही क्यों ना पहुँच रहे हो एग्जाम्पल के लिए। चलिए आगे की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? अब दोस्तों आप सभी लोगों को अपना नाम बताना होगा। कृपया मुझे आपका जेंडर बताइए। अब दोस्तों आपको अपना जेंडर बताना होगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर्स हैं तो अदर्स। क्या आपको इससे पहले केबीसी के सीजन के ऑडिशन के लिए कॉल आया है? तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर ने ना कहा, क्योंकि दोस्तों उनको केबीसी पर्सनल इंटरव्यू के लिए मतलब केबीसी का जो ऑडिशन है ग्राउंड ऑडिशन उनके लिए उनको अभी तक कॉल नहीं आया है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं इसमें, लेकिन हाँ ऑडिशन तक उनको कॉल आया था। तो दोस्तों आपको इसमें नहीं कहना है, हाँ मत कहिएगा, मतलब वो समझ जाएंगे कि भाई आपको इससे पहले कॉल आ चुका है केबीसी की टीम की तरफ से और अब आपको दोबारा कॉल नहीं किया जाने वाला है। तो चलिए आगे के रिकॉर्डिंग सुनते हैं। बधाई हो आपको केबीसी के अगले दौर अर्थात ग्राउंड ऑडिशन राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, कृपया ऑडिशन से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुने। अब दोस्तों आपको ऑडिशन से जुड़ी हुई जानकारी को ध्यान से सुनना होगा जो आपको अभी बताई जाएगी। जस्ट अ मिनट आपका केबीसी ऑडिशन लखनऊ शहर में 25 जून 2021 तारीख को निर्धारित किया गया। अब दोस्तों इनका जो यानी जिनको हमारे सब्सक्राइबर कॉल आई है उनको कहा गया है कि आपका जो ग्राउंड ऑडिशन है वो लखनऊ शहर में 25 जून 2021 को निर्धारित किया गया है। अब आगे ध्यान से सुने दोस्तों। पुष्टि करें कि क्या आप निर्धारित तारीख पर ऑडिशन केंद्र में पहुंच सकेंगे? तो दोस्तों आपको इसमें हाँ कहना है कि भाई हाँ मैं पहुंच सकूंगा। कृपया ध्यान दें कि यदि ऑडिशन के बाद आप फाइनल राउंड के लिए चुने जाते हो तो आपको जुलाई 2021 और नवंबर 2021 के बीच में मुंबई के शूटिंग के लिए आना होगा, क्या आप शूटिंग के लिए उपलब्ध रहेगी? तो दोस्तों इसमें आपको हाँ कहना होगा कि हाँ मैं उपलब्ध रहूंगा या फिर रहूंगी। ये तिथियां संभावित है और इनमें परिवर्तन हो सकता है, किसी भी बदलाव की स्थिति में आपको सूचित किया जाएगा, हमें आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी समय अवधि के दौरान उपलब्ध रहे।
आपको ऑडिशन का केंद्र का पता है, सर आप नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों इन्होंने कहा कि आप एड्रेस जो है वो नोट डाउन कर दीजिए, जो कि जिस एड्रेस पर आपको पर्सनल इंटरव्यू यानी ग्राउंड ऑडिशन देने पहुंचना है, तो वो एड्रेस दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं भी आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए आगे की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सेक्टर के वन अच्छा सेक्टर ओके सेक्टर के वन सेक्टर के आशियाना लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सुना होगा कि इनको भी क्लब में बुलाया गया है, यानी चांसलर क्लब में, जो कि लखनऊ में है। तो यहाँ पर एक बात कॉमन है कि यहाँ पर सभी लोगों को, जितने लोगों को भी कॉल आ रहा है उनको क्लब में बुलाया जा रहा है, चाहे वो कोई कहीं पर भी हो। दोस्तों केबीसी वाली टीम वहाँ पर कॉल कर रही है। चलिए आगे की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उत्तर प्रदेश 226012 ओके एंड डेट इज 26 जून जी हाँ, आपसे अनुरोध है कि अभी दी जा रही जानकारी को ध्यान से सुने। आपको अपने हाल ही के 4 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ अपने साथ ऑडिशन में लाने होंगे। अब दोस्तों इनको कहा गया कि आप 4-5 तरह के अपने फोटोग्राफ्स लेकर के आइएगा जरूर, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ कि आप 6 या 7 लेकर के जाइएगा, 1-2 फालतू आप जरूर लेकर के जाइएगा, जिससे आपको अगर मान कर चलिए 1-2 गुम भी हो जाते हैं तो भी आप अलग अलग उसको लेकर के जाएं, जिससे क्या पता केबीसी की टीम आपसे अलग अलग फोटोग्राफ्स रिक्वेस्ट कर ले, तो आपको अलग अलग फोटोग्राफ अपने लेकर के जाने हैं। अपने नाम की पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों के मूल्य प्रति और 2 सत्यापिता प्रतियां भी साथ रखनी होगी, जो केवल हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए। ओके, कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या मतदान। अब दोस्तों ये आपको कह रहे हैं कि या तो आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र अपना हिंदी या फिर इंग्लिश में भाषा में होना चाहिए और वो आपको लेकर के आना होगा। प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या UID यानी आधार कार्ड आपको अपने आवासीय पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों के मूल प्रति और 2 सत्यापित प्रतियां भी साथ रखनी होगी, जो केवल हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए। टेलीफोन या अब दोस्तों आपको यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि आप फोटोकॉपी भी लेकर के आइएगा और ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के आइएगा, यही नहीं कि आप अकेले यहाँ पर फोटोकॉपी लेकर के चले गए, आपको ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी होगी। बिल या पासपोर्ट या मतदान प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या UID यानी आधार कार्ड। ठीक है मैडम, कृपया ध्यान दें कि आपको ऑडिशन के दिन निर्धारित ऑडिशन वेन्यू पर अपनी पंजीकरण पूरा करने के लिए सुबह 7 बजे पहुंचना होगा, गेट सुबह 9 बजे तक बंद हो जाएगा। इनको दोस्तों कहा गया है कि आपको सुबह 7 बजे वहां पर पते पर पहुंचना होगा और गेट सुबह 9 बजे बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात है कि भाई आपको सुबह 7 बजे पहुँचना होगा, मतलब एक दिन पहले अगर आप किसी दूसरी सिटी में रहते हैं तो आपको एक दिन पहले उस सिटी में रहना होगा और मतलब जाना होगा, और फिर आप 7 बजे सुबह वहाँ पर आपको जाना होगा, 7-8 बजे आप कभी भी जा सकते हैं 9 बजे से पहले। और दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि भाई बाद में जो है आपको गेट बंद होने के बाद आपको आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऑडिशन वेन्यू में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑडिशन प्रक्रिया में पूरा दिन लग सकता है सुबह से शाम तक, इसलिए कृपया आप अपनी यात्रा की योजना इसके अनुसार बनाएं। अब दोस्तों इनको यहाँ पर ये भी कहा गया कि आपको सुबह से शाम तक पूरा दिन लग सकता है भाई, अगर मान के चलिए लाइन में खड़ा रहना पड़े या फिर बाहर उनको बैठा दिया गया तो आपको इसमें पूरा दिन लग सकता है, तो आप इस वजह से अपनी यात्रा की योजना पूरी बनाकर आएं। यदि आवश्यकता पड़ी तो आपको दूसरे दिन के लिए भी रुकना पड़ सकता है। इनको दोस्तों यूँ भी कहा गया कि आपको दूसरे दिन के लिए भी रुकना पड़ सकता है, आवश्यकता पड़ी तो आपको इसमें बता दिया जाएगा, इसकी जानकारी आपको ऑडिशन के दिन के अंत में दी जाएगी। आपको अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, मतलब केबीसी की टीम आपके आवास या फिर यात्रा की कोई भी व्यवस्था नहीं करेगी, आपको खुद ही अपनी आवास यात्रा की व्यवस्था करनी होगी। ध्यान दें कि ऑडिशन स्थल के अंदर केवल एक व्यक्ति यानी ऑडिशनी को ही प्रवेश दिया जाएगा। ऑडिशन में आने से पहले COVID-19 का टीका लगवाना होगा और आपको ऑडिशन स्थल पर इसका
अब दोस्तों इन लोग कहा गया है कि आपको टीकाकरण का जो है मतलब लाना होगा, आपको पता हो उसका मतलब आपने सर्टिफिकेट देना होगा कि भाई टीकाकरण आपने लगवा रखा है, जो कि आपको मिल जाता है covin.gov.in वेबसाइट पर। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक टीका लगवाना आपका मैंडेटरी है, दो टीके ज़रूरी नहीं है, कम से कम आपको एक टीका लगा हुआ होना चाहिए। की तारीख से 48 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराइए, टेस्ट के नतीजे और टीकाकरण प्रमाण पत्र के बिना किसी भी ऑडिशन को ऑडिशन स्थल के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने टीकाकरण नहीं लगवाया है, मतलब टीकाकरण नहीं करवाया है, और अगर आपने RT-PCR टेस्ट नहीं करवाया है 48 घंटे पहले जिसकी रिपोर्ट आ गई हो, दोस्तों हाल ही में टेस्ट होना चाहिए, मतलब 3-4 दिन पहले का हो जाए तो भी सही है, लेकिन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट और टीकाकरण के बिना आपको दोस्तों वहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी आने की। अनिवार्य रैपिड COVID-19 परीक्षण स्थल पर किया जाएगा, जिसके आधार पर ऑडिशन के लिए अनुमति दी जाएगी। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे जो भी भागीदार नियमों और शर्तों के अधिक होगी जो www.sonylip.com पर उपलब्ध है। सोनी की किसी टीम की ओर से कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब दोस्तों आप सभी लोगों ने सुन ली कि ये जो रिकॉर्डिंग थी कि लखनऊ में इनका जो है वो पर्सनल इंटरव्यू यानी ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है, और दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कॉल की जा रही है। तो ये दोस्तों बहुत बार इन्होंने कहा है कि भैया आपका जो है वो टीका लगना ज़रूरी है, आपको टीका लगवाना होगा COVID-19 का, कम से कम एक डोज आपको लगवानी होगी, और COVID-19 का RT-PCR आपको टेस्ट भी करवाना होगा अगर आपको वहाँ पर पहुँचना है, और आपका प्रवेश आपको तभी मिलेगा जब तक आप टेस्ट करवाएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे, तभी आपको वहाँ पर जाने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों ये थी 16 जून 2021 की कॉल रिकॉर्डिंग, और दोस्तों आज जो है ये इन्होंने बार बार यही कहा है कि भाई आपका जो स्टेट है यानी स्टेट की कैपिटल में ही आपको बुला रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता में बुला रहे थे, और वैसे दोस्तों यहाँ पर ये लखनऊ में बुला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब ऐसा ये है सिस्टम इनका कि भाई असम में दोस्तों ये यहाँ पर आपको उसकी राजधानी में बुला रहे हैं, तो राजधानी यानी कैपिटल में आपको ही बुला रहे हैं, जिस भी स्टेट की जो भी कैपिटल है उसमें आपको ही बुला रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि भाई किसी भी सिटी में बुला लिए, जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है तो मुंबई में आपको बुलाया जाएगा। आज दोस्तों महाराष्ट्र और हरियाणा और राजस्थान के लोगों को भी कॉल की जा सकती है, हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र और गोवा वगैरह में अभी तक कॉल नहीं की गई है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में भी कॉल नहीं की गई है, हालांकि दोस्तों आज बहुत सारे स्टेट्स में दोबारा से कॉल की जाएगी। जी दोस्तों करते हैं इस वीडियो का एंड, इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलेगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके साथियों को भी सहायता मिले, और दोस्तों करते हैं इस वीडियो का एंड, जय हिंद जय भारत, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, देखते रहे कि विश्व जय हिंद वंदे मातरम।